चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय इष्टदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः वदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरतुषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपीसह गोपिकाकांत श्रीराधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसीदेवकै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतये नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरि हरि हर। वो दूर नहीं बढ़ पास नहीं वो ज़्यादा पास हो गई। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्णु विष्णुपाल अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण स्वरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाप्रभु का जो कृपा को वो उदाहरण क्या दे रहे थे माधुर्य कादम्बिनी उनकी जो कृपा है अहितु की महाप्रभु की कृपा है इसलिए कहते हैं धुलित खैलया विषदया प्रमलील ताम दया शाश्वत शास्त्र विषदया रसदया तव दया अमंद उदय दया कह रहे महाप्रभु का जो दया है अमंद उदय दया मतलब उनकी दया में कभी मंद होता ही नहीं हर समय हैं हर समय उनकी दया अमंद उदय दया हर समय अच्छाई अच्छाई महाप्रभु कृपा करते हैं इसलिए बोले रस दया हेल धूलि तक है दया विष दया साम्यत शास्त्र रस दया इसलिए यहाँ पर दया दया की यहाँ पर झरी लगा दी महाप्रभु कितने बड़े दयालु उनकी दया कृपा ही यही माधुर्य कादम्बिनी है जो कि पात्रा पात्र विचार न करते ये अधिकारी ये अनधिकारी महाप्रभु ने ये विचार उन्होंने नहीं किया जिसके लिए बताए कृष्ण प्रेम आय से चार दूर दर्शन अगर वो दूर से किसको प्रति अगर देख भी लिया बास उसके हृदय में कृष्ण प्रेम उसके हृदय में उदय हो गया है कृष्ण प्रेम इसलिए महाप्रभु का जो अहितु कृपा ही यही माधुर्य कादम्बिनी इसलिए श्री स्वरूप दामोदर कहते हैं बोले जिनकी एक कृपा कटाक्ष अगर जीव को पर प्राप्त हो जाए उनकी कृपा की एक बूंद अगर किसी जीव को पर पड़ जाए तो वहाँ पर कहते हैं इंद्रादि विधि महेंद्र पदादि कीटायते इंद्र पद शंकर जी का पद ब्रह्म पद भी जिसको सामने एक कीड़े के बराबर लगता है जिसके कीड़े के बराबर लगता है अगर उनकी एक कृपा अगर किसी जीव को भर में प्राप्त हो जाए तो ये माधुर्य कादम्बिनी महाप्रभु की अहितु की कृपा है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं मैं
शुष्क मरुभूमि की वृक्ष जैसे, लेकिन मेरे ऊपर में महाप्रभु की कृपा हो, उनकी कृपा से ही मेरे जीवन धन्यात धन्य हो सकता है। इसलिए उसको बाद में कहते, पहला था साधारण मंगलाचरण, अभी वो कह रहे विशेष मंगलाचरण। उसमें क्या कहते हैं, बोले भक्ति भक्ति ही पूर्वै श्रिता तानु रसम पश्येत जदा तधि तम नौमि सततम रूप नाम प्रिय जनम हरे। कहते पहले पहले जो भक्त लोग आए, जो भक्ति किया है, हैं, कहते वो तो भक्ति को आश्रय करते हुए भक्ति किया है, लेकिन श्री रूप गोस्वामी की कृपा के द्वारा ही कहते भक्ति को जो एक रस रूप प्रदान किया, किसने किया, बोले श्री रूप गोस्वामी ने ही किया है। इसलिए पहले श्री नारद हैं, शंकर जी कहते, दूसरे दूसरे जो भक्त लोग आए हैं, कहते वो लोग भी भक्ति किया है, लेकिन वो लोग भी शास्त्र ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन भक्ति को जो रस रूप एक प्रदान किया, कहते श्री रूप गोस्वामी ने ही किया है ये काम को, हैं। इसलिए इसलिए इसी 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 को ऊपर में श्री मध्व माधव वो एक सुंदर भजन लिखते हैं, बोले जंकल रूप शरीर न धरत तम ब्रज प्रे महानिधि कुठरी कौन कपाट उभार। इसलिए महाप्रभु ने ये रूप गोस्वामी के द्वारा ही ये भक्ति रस को उन्हें जगत में स्थापन किया। इसलिए महाप्रभु इनके हृदय में, जब महाप्रभु कहते ये चीज आया कहाँ से, बोले महाप्रभु इनके हृदय में प्रकाशित थे। इसलिए कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, प्रिय स्वरूप, दैत्य स्वरूप, प्रेम स्वरूप और एक ततान रूप। ततान मतलब क्या है, विस्तार करना। इनके हृदय में महाप्रभु ने उनका हृदय में विस्तार व प्रकाशित किया है, जैसे श्रीमद्भागवत में तेने ब्रह्म हृदय जो आदि कवये मुच्छन्ति जत सुरे। कहते सर्वप्रथम भगवान ये दिव्य ज्ञान किसके हृदय में स्पूर्ण कराया, कहते श्री पितामह ब्रह्मा जी के हृदय में स्पूर्ण कराया। तो इसी श्लोक में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, कहते आदि कवि कौन है, साधारण रूप में तो हम ब्रह्मा को जानते हैं, लेकिन कहते जब विशेष पूर्वक जब हम विचार करते हैं, कहते आदि कवि ब्रह्मा नहीं, आदि कवि श्री रूप गोस्वामी, क्योंकि रूप गोस्वामी कृष्ण लीला में ये रूप मंजरी राधा रानी की प्रिय सहचरी हैं। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री हैं कहते इनके हृदय में श्री राय रामानंद, इनके हृदय में महाप्रभु ने सब भक्ति रस को संचारित किया है। इसलिए कहते कहाँ पर महाप्रभु रूप गोस्वामी के हृदय में संचारित किया, कहाँ पर किया, इसलिए कहाँ पर किया, कहते प्रयाग में, कहते प्रयाग में रूप शिक्षा में महाप्रभु कह रहे हैं रूप भक्ति रस एक अथा समुद्र है, भक्ति रस एक अथा समुद्र जिसका कोई आर पार है नहीं, लेकिन मैं तुम्हें वो भक्ति रस समुद्र की एक बूंद केवल मैं तुमको चखवाना चाहता हूँ। इसलिए इसलिए महाराज जी कहते हैं महाप्रभु ने जो भंडारा जो था भंडार कृ भगवत प्रेम की, कहते उसको दरवाजा बंद था, उसका दरवाजा बंद था, इसलिए कहते हैं जब वो कहते वो क्या दरवाजा है, चलो महाराज कहते उसमें विशेष करके दो दरवाजा था, हैं दो दरवाजा उसमें था, कहते वो कौन सा है, कहते एक भक्ति रस, कहते विशेष दरवाजा, लेकिन उसका ताला बंद था,
लेकिन महाप्रभु ने उसका चाबी काठी किसको हाथ में दिया, कहते श्री रूप गोस्वामी का हाथ में इसका चाबी काठी दिया। जैसे पिताजी का था संपत्ति हो, लेकिन उसका चाबी काठी पैसा का किसको पास में देते हैं, वो सबको नहीं देते हैं। जिसको देखते हैं ये उपयुक्त है तभी वो चाबी काठी उनको प्रदान करते हैं। इसलिए महाप्रभु ने देखा उपयुक्त तो कौन है, कहते श्री रूप है। बोले क्यों, कहती है राधा रानी की ये रूप मंजरी, रूप मंजरी जो राधा रानी की विशेष ये सेवा करने वाली है। इसलिए महाप्रभु इनको हाथ में चाबी गाठी पकड़वाया इनको हाथ में, इसलिए इनके लिए बताया श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जैन भूतले स्वयं रूप कदम ददाति स्वपतांति। तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते श्री रूप गोस्वामी कौन है, बोले श्रीमान महाप्रभु का जो मनभीष्ट को जो स्थापन करने वाला। कभी ये प्रमाणित कब हुआ ये महाप्रभु का मनभीष्ट को स्थापन करते हैं, कहते श्री रथ यात्रा का समय पर, जिस समय रथ यात्रा का समय पर महाप्रभु एक साधारण रस शास्त्र का एक श्लोक बोल रहे थे। सब लोग सोच रहे थे ये महाप्रभु रुदसी बेतसी तले ये श्लोक क्यों पढ़ रहे हैं, कहते आप वही प्रेमिका में वही प्रेमिक हूँ, लेकिन जब हम श्री हैं जब हम रेवा नदी को किनारा में जब वहाँ पर बेतसी कुंज में जब वहाँ पर हम मिलन हुए थे, वहाँ पर जो आनंद यहाँ पर नहीं। सब सोच रहे थे महाप्रभु ये एक साधारण रस कवि का एक साधारण एक क्या बोलते हैं मंडन श्लोक क्यों बोल रहे हैं, ये श्लोक कोई ये श्लोक का अर्थ समझ नहीं आता। लेकिन श्री रूप गोस्वामी इसका श्लोक का अर्थ श्री रूप गोस्वामी समझ करके तो उन्होंने और एक ठीक वैसे ही श्लोक लिखे सुप्रिय स्व प्रिय स्व एवं सहचरी कुरुक्षेत्र में लिखा। उन्होंने ठीक वैसे ही एक श्लोक को रचना की है, रचना करके इसका मतलब है आप वही जब कुरुक्षेत्र में राधा रानी कृष्ण को साथ में मिले, राधा रानी कह रही हैं प्रभु आप भी वही हो मैं भी वही, आप भी वही श्याम सुंदर मैं भी वही राधा। लेकिन जब श्याम वृंदावन में जहाँ पर यमुना कलकलनाथ में बह रही है, जहाँ पर चंद्रमा का चिरण किरण छिटक रहा है, जहाँ कोयल कुहक रही है, जहाँ पर मयूर के का कर रहे थे, जहाँ पर सुंदर बेली जूई चमेली सुंदर सुंदर जहाँ पर फूल खिले हुए, जब हम एकांत में जब वृंदावन के निकुंज में मिलते थे उसी समय जो आनंद है अभी वो आनंद यहाँ पर नहीं। आपका स्वरूप में तो ब्रज का कोई भेष ही नहीं, आपको तो पूरा द्वारकाधीश की भेष है, मयूर पंख कहाँ है आपके हाथ में मुरली कहाँ है। इसलिए अगर हमें वो आनंद देना चाहते हो चलो हमारे हृदय रूपी रथ में बैठो, अब हम श्री वृंदावन ले चलते हैं, जब वृंदावन में मिलेंगे तभी हमें वो आनंद मिलेगा। रूप गोस्वामी का ये श्लोक अद्भुत श्लोक और वो झोपड़ी का ऊपर में ताल पत्र में गूंज कर रखे थे, इतने में महाप्रभु का नजर पड़ा। जैसे उनका जो लेखनी सोने की अक्षर जैसे सुंदर उनकी, महाप्रभु उसको उतारे और महाप्रभु जो पढ़े प्रेम में गदगद हो गए, इतने प्रेम में गदगद हो गए तब स्वरूप दामोदर को बोले स्वरूप दामोदर ये रूप मेरे हृदय को कैसे जाना है। बोले प्रभु आपका हृदय को तो सोई कोई जान सकते हैं, सही जाने जा रहे देहु जाना ही, उनको तत्व तो वही जान सकते हैं वो कृपा करके जिसको जन्माते हैं, नहीं तो आपका हृदय को कौन जान सकता है। इसलिए इनका नाम क्या है रूप, रूप मतलब ये महाप्रभु का अभिन्न रूप है, राधा जी की भी रूप है, स्वरूप दामोदर का भी रूप है, रघुनाथ दास गोस्वामी का रूप, जीव गोस्वामी का रूप, सबका रूप श्री रूप है। इसलिए महाप्रभु इसलिए बोले श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जैन भूतले, इसलिए महाप्रभु का जो मनोभीष्ट को किसने स्थापन किया, बोले श्री रूप गोस्वामी ने ही स्थापन किया है। रूप गोस्वामी ने
स्थापन किया। कहते ऐसे श्री रूप गोस्वामी को हम सबके सब प्रणाम करते हैं। इसलिए कहते आद दानम स्त्रीणम दंते हृदम जाच पुनः पुनः श्रीमद रूप पदाम भोज भूलिश्याम जन्म जन्मरी जन्म। मतलब है हम आद दान स्त्रीणम दंते हृदम जाच पुनः पुनः, फिर दांत में हम त्रिनिदा लेकर के पुनः पुनः हम प्रणाम करते हैं। हम क्या चाहते हैं, जैसे श्री रूप गोस्वामी की चरण की एक धूल बन जाए। इसलिए प्रभुपाद यही भी बोलते हैं, रूप गोस्वामी के चरण की धूल बनना ही हमारे जीवन का यही मात्र काम्य है। इसलिए हमारे जितने गोस्वामी वर्ग हुए हैं सब के सब यही चीज प्रार्थना की। नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं, आर कवे क्या गौरांग बली ते हवे पुलक शरीर हरि हरि बोली ते ना यानि बावनीर कविनी ताई चांदीर करुणा हरिवे संसार वासना मोर कवि तुच्छ हवे विषय छड़िया कवि शुद्ध हवे मान कवि हम श्री वृंदावन रूप रघुनाथ पदे हाइबे अकोती कवि हम बोझब से जुगल प्रीति रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आस प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। कहते हैं रूप रघुनाथ पदे रहु हमारे जो आस कहाँ पर रहे, रूप और रघुनाथ पद में रहे, इनकी कृपा से ही जुगल रस का आस्वादन इनकी कृपा से ही हो सकती है। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, क्या कहते हैं, सुनिया छि साधु मुखे बोले सर्वजन श्री रूप कृपाए मिले जुगल चरण। किस कृपा से जुगल चरण मिलता है, बोले रूप गोस्वामी की कृपा से ही मिलता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी वो क्या कहते हैं, रूप रघुनाथ पद रहु कुमार आस चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। इसलिए जितने हमारे सबके सब गुरु वर्ग हुए सबके सब रूप गोस्वामी के चरण में प्रार्थना करते हैं, इनके चरण की धूल बनना ही हमारे जीवन का काम्य है, केवल इनके चरण में काम्य है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जम कली रूप शरीर न धारित तम ब्रज प्रेम महानिधि कुठर कौन कपाट उखारित। अगर श्री रूप गोस्वामी नहीं होते तो जगत में शरीर धारण नहीं करते तो कहते ब्रज प्रेम का महानिधि जो कुठरी है, कहते उसका जो दरवाजा को कौन कपाट उघाड़ता, मतलब उसको कपाट को कौन खोलता। भक्ति रसामृत सिंधु आर श्री उज्ज्वल निर्मणि कहते ये दो गुरुदेव कहते हैं, ये विशेष करके दो उनकी कपाट है। कहते जो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ है कहते उसमें हर रस वर्णन किया है। इसलिए भक्ति रस कहते ना रूप गोस्वामी नहीं होता तो कहते जो भक्ति को जो रस रूप दिया केवल यही उन्होंने दिया है। इसलिए जिसमें चार चीज मिलकर के रस होता है, क्या है, उद्दीपन, क्या है, याद। इसलिए सात्विक व्यभिचारी उद्दीपन सामग्री चार चीज को मिलकर के जैसे पानी दे दिया उसमें मिश्र दे दिया उसमें नींबू डाल दिया थोड़ा कर्पूर डाल दिया क्या हो जाता है, एकदम रसाला बन जाती है। कहते तो उसी तरह रूप गोस्वामी ने बताया जो रस बनता है, हैं इसलिए चार चीज को दे करके वो रस बनता है। इसलिए
कहते उन्होंने वो जो भक्ति रसामृत सिंधु है, कहते केवल भक्ति नहीं वो क्या है, रस है, इसलिए भक्ति रस, बोले वो रस नहीं कहते वो अमृत है, तो अमृत नहीं कहते ये सिंधु के बराबर है, समुद्र के बराबर, उसमें हर रस का विवेचना की है, शांत दास्य सख्य वात्सल्य मधुर रस, सब रस का उसमें वर्णना की गई है। लेकिन श्री उज्ज्वल निर्मणि ग्रंथ में कहते केवल मधुर रस का वर्णना वहाँ पर किया, इसलिए वो कहते हैं ये ग्रंथ को वही पढ़े जिसको मधुर रस में ही रुचि है, केवल ग्रंथ को वही पढ़ने चाहिए क्योंकि उसमें मधुर रस की विवेचना वो ग्रंथ में की गई है। इसलिए विशेष करके ये दो ग्रंथों का जो दिव्य वस्तु है, हैं कहते श्री उज्ज्वल निर्मणि ग्रंथ में अद्भुत रूप में उन्होंने परकिया रस किया है, हैं इसलिए परकिया रस किसको कहते हैं, ये रस होता है कैसे, ये चीज़ की विवेचना कैसे की जाती, इसी सब चीज़ कहते ये उज्ज्वल निर्मणि ग्रंथ में वर्णना किया है। इसलिए कहते नीर खीर हंस न पान बिथाय न कौन पृथक कर पाए, जैसे दूध रख लो लेकिन हंस क्या करता है, वो दूध को अलग कर देता है और पानी को अलग कर देता है, कहते अगर श्री रूप गोस्वामी नहीं होते तो फिर इसको कौन ही चीज़ को अलग करता, मतलब अलग मतलब क्या है, तो गुरुदेव किसी विषय पर कहते हैं जो भक्ति है, हैं भक्ति तीन तरह का भक्ति है, क्या है कहते आरभ सिद्धा संग सिद्धा और स्वरूप सिद्धा भक्ति, गुणीभूता और प्रधानी और केवल है, कहते इस भक्ति को जो उनने जो डेफिनेशन दिया है, हैं इसलिए उस चीज़ को कौन हमें समझाता अगर ये रूप गोस्वामी नहीं आते तो, इसलिए परकिया रस ब्रज में भी उनका जो विशेष रस है, तीन तरह का गोपियाँ हैं स्वपक्ष विपक्ष तटस्थ, ये तटस्थ कौन है, स्वपक्ष कौन है, विपक्ष कौन है, इनका क्या काम है, हैं और उसमें भी परकिया रस में भी हैं कहते परकिया रस में भी उसमें स्वपक्ष विपक्ष तटस्थ वो सब चीज़ को हमें कौन जानता, फिर तत्त भाव इच्छात्मी का कामानुगा रागानुगा, इस जो भक्ति का जो विवेचना है कहते श्री रूप गोस्वामी ने ही ये सब चीज़ों को उन्होंने वर्णना करके हमारे सामने रखे हैं। इसलिए को सब तेज भजी वृंदावन को सब ग्रंथ विरचित, कहते जिन लोगों ने राजपाट संपत्ति को परित्याग करके, हाँ राज उन्होंने कहाँ प्राइम मिनिस्टर श्री सनातन गोस्वामी थे और श्री रूप गोस्वामी फाइनेंस सेक्रेटरी थे, लेकिन उन्होंने ये सब को छोड़ करके वृंदावन में जो उन्होंने भजन किया है, हाँ इसलिए जब कोई व्यक्ति वृंदावन से आते थे महाप्रभु के पास में, वहाँ पर पूछते थे महाप्रभु रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कैसे भजन कर रहे, मतलब एक एक वृक्ष को नीचे एक एक दिन रह गए और कभी चाना कभी अभिमाना, हैं इसलिए सात प्रहर, हैं सात प्रहर भगवान के भजन, एक प्रहर अगर थोड़ी विश्राम में भी किया उसी समय भी स्वप्न राधा गोविंद देखे, स्वप्न में भगवान का दर्शन राधा गोविंद का दर्शन होता था, उनका जो भजन प्रजपाटी कितना हा ब्रजदेव के चल ललिते हे नंदन सुन कुत श्री गोवर्धन कल्प पाद बतले कालिंदी वन्य कुत गो संतांग मिति सर्वत्र खेदैर ब्रज बिहलऊ वंदे रूप सनातन रघुजी गौ श्री जीव गोपाल गौ, उनका जो भजन पद्धति थी कभी हे राधे ब्रजदेव के चल ललिते, कद हे राधारणी तुम कहाँ हो, हे श्री ललित तुम कहाँ हो, हे विशाख तुम कहाँ हो, कभी गोवर्धन में कभी राधा कुंड में कभी श्याम कुंड में कभी कुसुम सरोवर में कभी निधु वन में कभी निकुंज वन में बिहोल होकर के, हैं व्याकुल होकर के रो रो कर 24 घंटा जो भक्ति करते थे,
अगर ये नहीं होते तो को सब तेज भजी वृंदावन कौन कहते को सब ग्रंथ विरचिता कहते अगर ये नहीं होते ये जो दिव्य ग्रंथ है रूप गोस्वामी की कितने ग्रंथ है ललित माधव विदर्भ माधव और क्या ग्रंथ है रूप गोस्वामी का श्री पद्यावली श्री उपदेशामृतम और इसलिए इनकी जो इतने सारे ग्रंथों को इन्होंने जो उन्होंने प्रकटित किया है हंस दूतम कितने कितने ग्रंथ है उन्होंने विरचित किया है अगर ये नहीं होते तो फिर ये सब ग्रंथों को कौन रचना करते हैं। इसलिए जब पृथु बन कुल फल नाना विध मन राजी अरविंद सो मधु कर बिनु पान कौन जानत विद्यमान करी बंद। उदाहरण देते हैं जैसे सुंदर सुंदर वन में फूल खिले हुए हैं लेकिन वो सारे फूलों को लेकर एक गुलदस्ता बनना गुलदस्ता में देख करके एक सुंदर रूप देना नहीं तो सुंदर सुंदर फूलों को चयन करके एक सुंदर एक माला बना करके राधा गोविंद को गले में देना पर में तो तरह तरह का फल फूल खिले हुए हैं लेकिन उसके एक सुंदर जो रूप देना है कहते ये सब चीज को कौन देता। इसलिए भागवत में भक्ति रसामृत सिंधु व उज्जवल निर्मणि जो ग्रंथ है इन्होंने कहते इन्होंने शास्त्र से ही लिया अलग से कहीं नहीं लिया है। जैसे जब उद्धव जी ब्रज में आते हैं जब गोपियों को प्रेम को देखते हैं वो क्या कहते हैं इताम तनुवृता ब्रज भू भी गोप्या निखिलात्मनि रूढ़ भाव। अभी रूढ़ भाव किसको कहते हैं रूढ़ भाव किसको कहते हैं अधृढ़ किसको कहते हैं स्नेह मान प्रणय इसको किसको कहते हैं। और उद्धव जी की जब 10 श्लोक है उद्धव जी ने जो वर्णना किया जिसको भ्रमर गीत में वर्णना करते हैं लेकिन उसमें किस किसको कहते संजल्प किसको कहते अभिजल्प किसको कहते प्रजल्प किसको कहते संजल्प उनने जो एक भी जो डेफिनेशन दिया उसका क्या क्या उदाहरण है। इसलिए उन्होंने सब ग्रंथ तो सब कुछ लिए हैं लेकिन उन्होंने ले करके जो सुंदर जो रूपक एक प्रदान किया है इसलिए कहते अगर रूपक गोस्वामी नहीं होते तो ये रूढ़भाव किया है अधरूढ़ किया है ये सब चीज को हमारे सामने में कौन ये सब चीज को वर्णना किया करते संचारी भाव किया है इसलिए किलकिंचित भाव किसको कहते हैं कहते श्री रूप गोस्वामी ने इस सब भाव को ने सुंदर रूप में एक रूप को प्रदान किया है। इसलिए कहते सो मधुकर बिनु पान कौन जानत विद्यमान करीबन। दूसरा उदाहरण देते हैं जैसे सुंदर सुंदर फूल खिला हुआ लेकिन मधुमक्खी क्या करता है हर फूल के ऊपर बैठ करके वहाँ से शहद को लेता है और शहद को लेकर क्या करता सुंदर एक छत्ता बना देता है बड़े सुंदर छत्ता बना देता है। कहते उसी तरह सारे ग्रंथ तो था लेकिन उन ग्रंथों से सुंदर सुंदर दिव्य भाव को लेकर के हम लोगों को सामने जो दिव्य दिव्य भाव को अभिव्यक्ति करना कहते श्री रूप गोस्वामी ने ही ये सब काम किया है। को जानत राधा माधव रति को जानत स्वय प्रीत जाकर चरण प्रसाद सकल जन गाई गावत सुख पावत। इसलिए को जानत राधा माधव रति तो जगत में अगर रूप गोस्वामी नहीं आते तो ये राधा माधव का जो प्रेम है जो रति है इसी विषय पर हमें कौन समझाता क्या राधा माधव के अंदर में क्या दिव्य प्रीति कहते उन्होंने ये उज्ज्वल निर्मणि ग्रंथ में इस सब सुंदर भावों को उन्होंने अभिव्यक्त किया अद्भुत अद्भुत रूप में। कितने तरह का नायक है कृष्ण कितने तरह का नायक है उसमें वहाँ पर बताए 96 तरह का कृष्ण नायक है धीर उद्धार धीर अनुदात धीर ललित हैं धीरा धीरा और राधा रानी का जो अलग अलग जो भाव है राधा रानी की हैं इसलिए कुट्टाए तो मुट्टाए तो ये अद्भुत अद्भुत राधा रानी की प्रेम को उन्होंने वर्णना किया है। साधारण रति सामंजस्य रति समर्था रति ये एक एक सुंदर सुंदर भाव को उन्होंने
अगर रूप गोस्वामी नहीं आते ये राधा रानी की दिव्य भावना को, कृष्ण की ये दिव्य प्रेम को हमारा सामने कौन प्रकट करता, इसलिए इनकी कृपा से ही हम लोग इसको गा करके जीवन में सुख प्राप्त कर रहे हैं। बोले चरण कमल शरणागत मधु तब महिमा उल्लाल, इसलिए मधु कह रहे हैं आपका चरण में हम सबके सब शरण लेते हैं, आपका चरण में हम सबके सब शरण लेते हैं, हमारा ऊपर में कृपा करो। इसलिए जिसको श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, वृंदावनियाम रस केली वार्ता काले न लुप्ता निज शक्ति मुक्ता संचार्य रूपे व्यतन तु परस प्रभुर विभ प्रागिव लोक सृष्टि। कहते वृंदावनियाम रस केली वार्ता कान लुप्ता निज निज शक्ति, इसलिए धीरे 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 काल प्रभाव से वृंदावन का जो रसकेली वार्ता है धीरे 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 सबके सब नष्ट हो गए, वृंदावन धाम भी धीरे 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 नष्ट होते जा रहा था। इसलिए रूप सनातन आदि भक्त लोग आकर के भगवान के सारे लीला स्थलियों को भी प्रकाशित किया और उन्होंने वृंदावन का जो रसकेली वार्ता उन्होंने सुंदर सुंदर हंसदूत पद्यावली में सुंदर सुंदर श्लोकों को लेकर के चयन करते हुए अद्भुत, इसलिए जो पद्यावली का जो श्लोक उसको याद करने चाहिए, बड़े सुंदर सुंदर श्लोक, इतने बढ़िया बढ़िया श्लोक उसके अंदर में, बहुत प्यारी प्यारी श्लोक, उस श्लोक को याद करने चाहिए, बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं। इसलिए कहते श्री रूप गोस्वामी की कृपा से ही जीवों को प्राप्त हुआ, इसलिए कहते श्री रूप हृदय प्रभु शक्ति संचारी ला सर्व तत्व निरूपणे प्रवीण कर लिया। महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी के हृदय में, और जिस समय श्री रूप गोस्वामी ने लिखा था अनर्पित चरिंचिरात करुणावतरण बलो समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसांग सभक्ति श्री, फिर जब नाम की महिमा उनने सुने, ये मंगलाचरण जब नाम की महिमा सुने, तुंडे तांडव वितनुते तुंडावली लप्तये कर्ण क्रड़ो कड़मिनी घटेते कर्णा बुधेव स्प्रिया चेत प्रांगण संगनी रचयते सर्वेन्द्रियाणाम कृति नो जान जनित किम अद्भुत कृष्ण दिवं। महाप्रभु सुन करके एकदम प्रेम में गदगद हो गए, फिर सारे भक्तों को बुला करके फिर रूप गोस्वामी को बोले बोलो उस श्लोक को निकालो और बताओ, वो तो लज्जित हो गए, बोले सुनाओ। जब उनने सुनाया हरिदास ठाकुर तो नाच उठे नाम की महिमा सुन करके, महाप्रभु सारे भक्तों से प्रार्थना किया तुम सबके सब रूप ऊपर में कृपा करो जैसे मेरे हृदय की भावना को वो अभिव्यक्ति कर सके। इसलिए कहते हैं श्री रूप हृदय प्रभु शक्ति संचारी ला, महाप्रभु रूप गोस्वामी के हृदय में सारे शक्तियों को उनने संचार करके सर्व तत्व निरूपणे प्रवीण कर लिया। महाप्रभु जैसे सारे तत्वों को जैसे निरूपण कर सके उनको एकदम उनको एक्सपर्ट बना दिया उनको, इसलिए इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं श्री श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कह रहे हैं, यद्यपि भक्ति पहले था, दूसरे दूसरे आचार्यों ने भक्ति को उन्होंने भक्ति किया, भक्ति तत्व को वर्णना भी किया है, हैं इसलिए, लेकिन भक्ति को जो रस रूप देना है ये रस रूप किसने दिया है, हैं कहते श्री रूप गोस्वामी ने दिया है और जगत में कोई नहीं दिए हैं। पहले कौन कौन महापुरुष पहले उद्धव भजन किया, पहले उद्धव श्री नारद जी, प्रहलाद जी, पांडव, सुखदेव, जामुनाचार्य, श्री हैं कहते श्री नाथ मुनि, गोदा देवी, रामानुज, मध्वाचार्य, हैं कहते इन लोग ने पहले पहले आए, इन लोग ने भक्ति की वर्णना की, भक्ति तत्व को निरूपण की, हैं आ रहे की है, लेकिन भक्ति को जो रस रूप प्रदान किसने किया, श्री रूप गोस्वामी ने ही भक्ति की रस रूप को प्रदान की है। इसलिए हम सबके सब कहते रूप गोस्वामी ये कौन,
कहते जो कहते श्री रूप गोस्वामी नहीं, फिर दूसरे रूप में आते हैं। किस रूप में? कहते श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रूप में आकर के फिर रूप की महिमा को वर्णना करते हैं, रूप की महिमा को वर्णना करते हैं। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और कोई नहीं, कहते श्री रूप गोस्वामी के दूसरे स्वरूप श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। बोले श्री रूप गोस्वामी की जय। इस बात का कोई प्रमाण भी है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पादी रूप गोस्वामी पादा, रूप गोस्वामी पादी विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर? हमारे संप्रदाय में जो बड़े बड़े भक्त लोग हुए उन लोगों ने किया, क्योंकि उन्होंने देखा। मैंने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ लिखा, लेकिन वो ग्रंथ तो बहुत बड़ा है ना। अभी कलयुग में अगर उतना बड़ा ग्रंथ कोई नहीं पढ़ सके, फिर उन्होंने उसी ग्रंथों को भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु कर लिया। पर उज्ज्वल निर्मय पहले लिखे तो ग्रंथ बड़ा है, फिर देखे इसको इतना बड़े कोई, फिर उन्होंने उज्ज्वल निर्मय किरण कणा लिखे। फिर उन्होंने लघु भागवत अमृत को रूप गोस्वामी, फिर उन्होंने लघु भागवत अमृत कणा को फिर उन्होंने लिखे। इसलिए उन्होंने फिर उसको वही वही ग्रंथों को पुनः उन्होंने छोटे छोटे ग्रंथ रूप में उन्होंने फिर उन्होंने प्रकाशित किया है। इसलिए हमारे संप्रदाय के भक्त लोगों का कहना है रूप गोस्वामी ने ही फिर पुनः आए और उन्होंने जो भागवत का जो सारार्थ दर्शन ग्रंथ लिखे अधूर रूप में, जो माधुर्य कादंबिनी रूप गोस्वामी वहाँ पर तो आधो श्रद्धा साधु संग भजन क्या बताए, लेकिन उसका जो एक एक उदाहरण दे करके कौन सा लक्षण है उनके अंदर में, फिर वो चीज को जो अच्छे तरह से जब बोले रूप गोस्वामी को रूप मंजरी बताया।